एक सर्द रात में एक अमीर नौजवान एक राह से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े गरीब पर पड़ी जिसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था और नौजवान ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़ों से ढका था। उसने हैरानी से उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? बूढ़े ने जवाब दिया, लग तो रही है बेटा, पर मुझे इसकी आदत है क्योंकि मेरे पास गर्म कपड़ा है ही नहीं। इस पर उस अमीर नौजवान ने कहा, आप यहीं रुको बाबा, मैं अपने घर से आपके लिए गर्म कोट लाता हूँ, आप उसे पहनकर बहुत गर्म महसूस करेंगे। वो बूढ़ा गरीब आदमी बहुत खुश हो गया। उसकी आंखें रात भर उस गली पर टिकी रही जहाँ से वो अमीर नौजवान गुजरा था। रात भर कोई नहीं आया। सुबह उस नौजवान को जब उस बूढ़े गरीब आदमी की याद आई तो वह कोट लेकर भागता हुआ उसके पास गया, पर वह बूढ़ा ठंड से ठिठुर कर मर चुका था। उसके मृत शरीर के पास एक चिट्ठी पड़ी थी जिस पर लिखा था, जब मेरे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था तब मेरे पास सब्र था, मानसिक शक्ति थी जो मुझे ठंड से बचा कर रखती थी, पर जैसे ही आपने मुझे कोट देने का वादा किया वैसे ही मैं आपके वादे से जुड़ गया। एक उम्मीद जाग गई, एक इंतजार पैदा हो गया और मेरी मानसिक शक्ति खत्म हो गई। वो इंसान रात भर जागता रहा उम्मीद के साथ, इंतजार के साथ। उसकी आंखें पत्थर आ गई और जो सर्दी आज तक उसका कुछ न बिगाड़ पाई थी वो आज कोहरे की चादर सी मौत बनकर उसे ढाप कर चली गई। दोस्तों, जीवन में अगर किसी से कोई वादा करो तो उसे निभाओ, अगर निभा नहीं सकते तो वादा ना करो, किसी को झूठी उम्मीद ना दो। हम कई बार कई लोगों की मदद का वादा कर देते हैं और हम मदद करने की स्थिति में भी होते हैं पर उस वादे को लेकर इतने गंभीर नहीं होते, पर हो सकता है जिससे हम सहायता का वादा किए हैं उसके लिए ये आखिरी उम्मीद हो, बस यही सहारा हो। उम्मीद को झुठला ना दो, वादा करो तो निभाओ।